Sulfur cycle first the contents, importance of sulfur, reservoir of sulfur, mineralization, oxidation, reduction and incorporation of sulfur into organic compounds, and the diagrammetrical representation of the sulfur cycle. First, the importance of sulfur. So students, uh, sulfur is also important, like that of carbon, nitrogen. ऑक्सीजन एंड फास्फोर्स तो कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन की तरह या फास्फोर्स की तरह सल्फर भी एक इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन प्रोटीन्स प्रोटीन्स के अंदर जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है एनजाइम्स बिकॉज एनजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ आर इन द लिविंग ऑर्गेनिजम सो एनजाइम्स दे आर आल्सो हैविंग द सल्फर इन दैम देन दाइटामस दीज आर दी अगर हम इसमें देख रहे हैं तो जैसे जो प्रोटीन्स हैं प्रोटीन के अंदर दो अमायनोइस जैसे हैं जिसमें सल्फर है वन इज़ द मिथियोडिन एंड अदर वन इज तो दो सल्फर कंटेनिंग अमायनोसर्स हैं ट्वेंटी अमायनोइस में से तो आर हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज तो इसकी वजह से दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं एंडज़ाइम्स चूँकि ज़्यादातर जो है वो प्रोटीनस इन नेचर हैं तो डेफिटली एनजाइम्स के अंदर भी जो है वो सल्फर पाई जाएगी जिसमें वाइटामिनस के अंदर जो है वो बाकायदा सल्फर जो है वो मौजूद है अब हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर सल्फर साइकिल कैसे चलेगा सल्फर साइकिल के यह सबसे पहले इसका रेजरवायर है तो रेजरवायर ऑफ़ सल्फर की अगर हम बात करेंगे सो इट इज़ अबंडेंटली प्रेजेंट इन द दॉयल तो ये नेचर के अंदर जो है वो क्या क्या अबंडेंटली है यानी कि पोहता में मौजूद है इसकी डिफिशेंसी नहीं होती है आमतौर पर सो so, नेचर के अंदर जो सल्फर मौजूद है इट इज़ प्रेजेंट इन द ब्राइट येलो क्रिस्टलाइन फॉर्म ब्राइट येलो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर मौजूद है ये आमतौर तो पर प्योर फॉर्म में भी या में है या so, ज़्यादातर ये कंपाउंड्स के, 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 के फॉर्म में uh, जो वो मौजूद है सो मोस्टली इट इज़ बरीड अंडर दी रॉक्स या रॉक्स वगैरह के अंदर क्या है कि बरी के या किसी न किसी कंपाउंड के अंदर ये टाइट फॉर्म में मौजूद है सम ऑफ सल्फर इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर जब वो सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड है तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है वो एक्चुअली एक पोल्यूशन का रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि अगर सल्फाइड्स मौजूद हैं यानी कि इसके जो है वो ऑक्सीजन के सल्फर के अगर ऑक्साइड्स मौजूद हैं सल्फर के ऑक्साइड्स का एन्वायरमेंट पर होने का मतलब ये है कि इट इज़ अ पोल्यूशन इससे एसड्रेन में बाकी इफेक्ट जो है वो होंगे तो सल्फर साइकिल के जो बिजनेस डिफरेंट स्टेप्स हैं जो फर्स्ट स्टेप इज द मिनरलाइजेशन तो मिनरलाइजेशन इज अ स्टेप इन विच ऑर्गेनिक सल्फर इज़ कन्वर्टेड इंटू सल्फाइड आर एलिमेंटल सल्फर सल्फर ये क्या होता है कि इसमें या तो जो ऑर्गेनिक सल्फर है उसको क्या कहता है कि इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है यानी कि ऑर्गेनिक सल्फ़र जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर प्रोटीन्स के अंदर फॉर्म में मौजूद है उसकी दैट इज कन्वर्टेड इंटू इनऑर्गेनिक फॉर्म इनऑर्गेनिक फॉर्म कौन सी हो सकती है दे आर सल्फाइड्स सल्फाइड्स हो सकते हैं एलिमेंटल सल्फेस हो सकती है या फिर इसका डिफरेंट मिनरल्स ऑफ सल्फर जो है वो हो सकते हैं इसको जो है सल्फाइड मिनरल्स जिसको बोला जाता है सेकेंड स्टेम भी द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड्स तो सेकेंड स्टेप वो है जिसके ऊपर जो एलिमेंटल सल्फर्स या सल्फर या सल्फाइड्स जो हैं देर ऑक्सीडाइड ऑक्सीडाइज इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स तो सल्फाइड्स को और एलिमेंटल सल्फर जो है एलिमेंटल सल्फर मीन प्योर सल्फर जो है उसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा और इससे क्या बनाए जाएंगे सल्फेट्स बनाए जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो है वो है असीम्यूलेशन कैसे होगी प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में सल्फर कैसे आएगी तो so, इसमें फर्स्ट सल्फ़र uh, जो है इट इज़ uh, जो कि सल्फ़ेट की फार्म में मौजूद है तो सल्फेट्स जो है वो एनिमल्स जो है उनको क्या किया जाएगा सबसे पहले उसको रिड्यूस करेंगे या प्लांट्स जो है दे विल रिड्यूस इन टू इन द फार्म ऑफ इन द रिड्यूस्ड फार्म में लाएंगे तो सल्फेट को पहले रिड्यूस किया जाएगा उसके बाद दे आर मेड अ पार्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल बॉडी जो उसको जो होता है फिर प्लांट्स व एनिमल की बॉडी का हिस्सा जो है वो बनाया जाएगा जिससे तो प्लांट्स क्या करेंगे कि उस सल्फेट्स को, को रिड्यूस करेंगे और उसके बाद उसको प्रोटीन का जो वो पार्ट जो या ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स का जो वो पार्ट बना लिया जाता है तो हेयर इज द साइकिल विच इज़ शोइंग द ओवल सल्फर साइकिल ये डायग्राम जो ओवल अ सल्फर साइकिल को रिप्रेजेंट कर रही है अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले हमने बात की थी कि रिडक्शन हो रही है रिडक्शन के अब ये होगा कि जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हैं ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएंगे रिड्यूस सल्फर कंपाउंड्स के अंदर सो रिड्यूस सल्फर कंपाउंडस के बाद दे मे बी आगे ये फर्दर जो है वो इसको ऑक्सीडाइज होकर सल्फ़ेट्स की फार्म में एयर में भी जा सकते हैं या फिर इसके बाद क्या होगा कि फर्दर जो रिड्यूस कंपाउंडस हैं दे आर कन्वर्टेड इंटू द सल्फेट्स दे आर कन्वर्टेड इंटू सल्फेट्स ये सल्फेट में कन्वर्ट किए जाएंगे दी सल्फ़ेट्स दे आर यूटिलाइज बाय द प्लांट्स प्लांट्स इनको यूटिलाइज करेंगे इसको रिड्यूस करेंगे ऑर्गेनिक फार्म में जो है वो ले आएंगे तो इससे प्रोटीन के पार्ट बनाए जाएंगे फिर यही प्रोटीन का पूरा जब एनिमल यूज़ करेंगे तो सल्फेट अल्टीमेटली जो है वो एनिमल की बॉडी का पार्ट बन जाएगी सिमिलरली वेन देर द डेथ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स तो फिर डिकम्पोजिशन प्रोसेस होगा और डीकम्पोजिशन हो के प्रोसेस से दोबारा जो है वो सल्फेट्स बन जाएंगे और कुछ जो है वो ऑर्गेनिक मैटर वो होगा जिसकी डिकम्पोजिशन से फर्दर जो है वो आगे क्या हो जाएगा कि अगेन जो है ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा जिसमें सल्फेट्स में देर अगेन कन्वर्टेड इन टू द इनऑर्गेनिक फार्म सम पार्ट ऑफ सल्फर कुछ सल्फर जो कि सॉइल के अंदर मौजूद होगी दैट इज इरप्टिड अलॉन्ग विद द वॉलनिक्रप्शन वो वॉलैनिकप्शन के फार्म में यहाँ से रिलीज होगी और ये जो है ये बेसिकली होगी ऑक्साइड या सल्फर की सल्फर डाई या सल्फर ऑक्साइड की फार्म में जो रिलीज होगी सल्फर ऑक्साइड जो है वो अगेन ये एसिड रेन वगैरह के फार्म में वाटर से रिएक्ट करेंगे और एसिड रेन के फार्म में दोबारा जो वो वापस आएंगे सॉइल पर लेकिन इनके आने से अगर हम देखें तो इकोसिस्टम के ऊपर बड़ा बैड इम्पैक्ट होगा जितने भी प्लांट लाइफ है इट विल डाई आउट ये एक सिंपल बताया गया कि किस तरह से जो होता है इस तरह से जो सल्फर फॉसल फ्यूल्स के अंदर होती है तो इस फॉसल फ्यूल्स को जब यूज़ किया जाता है तो उसके क्या होता है कि जो 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 फॉसल फ्यूल्स जब यूटिलाइज किए जाएंगे तो उसके साथ सल्फर रीज इंटू द इन्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड